देखिए मैं आ गया हूँ मथुरा, और मथुरा में मैं चल रहा हूँ पैदल, और आपको जो भीड़ दिख रही है, वैसे तो मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है तो वैसे ही श्रद्धालु बहुत आते हैं, परंतु अभी सोने पे सुहागा ये है कि 84 कोसी परिक्रमा भी चल रही है, तो आगे गाड़ी जाने नहीं दे रहे, गाड़ियाँ यहीं खड़ी कर ली है और हम निकल रहे हैं। कहाँ पे मथुरा आए और रूपा कचौड़ी वाले के पास नहीं जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम जा रहे हैं रूपा कचौड़ी वाले के। देखिए अगर आप मथुरा आते हैं और ये देखते हैं तो लस्का कुटीर, कश्मीरी पंडित लस्सू प्रसाद जी काक, और यहाँ पे जो इन्होंने बनाया हुआ है ये देखिए क्या कार्विंग है। प्यारा ही है लेके पास, परंतु हालांकि हमें ये पता लग गया अभी कि रूपा कचौरी वाला पिछले 5-7 दिन से बंद है, उनको कोई डिस्प्यूट है तो है, बट हम चल रहे हैं। 84 कोस की परिक्रमा दे रहे हैं, सागर जिले से हैं। कहाँ कहाँ की देनी होगी बताओगे हमें? 84 कोस में कहाँ कहाँ जाना होता है? अब जा रहे हैं जहाँ जहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छा, ये देखिए घाट, ये जमुना जी बह रही हैं। तो देखिए हम आ गए हैं स्वीट सेंटर पंडित छैलो पेठे वाले, और यहाँ हम आए तो थे रूपा कचौरी वालों के, परंतु वहाँ उनके कोई फैमिली में प्रॉब्लम हो गई और हमें मिले वहीं से पहले एक ये मिले मोहित, तो मोहित ने हमें कहा लो अंकल जी आपको लेके चलते हैं और आपको वहाँ से अच्छी बताते हैं। तो ये देखिए अगर आप यहाँ पे इनके चाहने वालों की भीड़, और ये बराबर अगर आप देखते हैं तो देसी घी की, मतलब इसमें कुछ ये नहीं है, और रूपा कचौरी वालों से बहुत पुरानी है। अब वो क्वालिटी वाइज तो आप दोनों जगह खाएंगे तो अपने आप पता लगेगा, परंतु अभी अनफॉर्चुनेटली मैं आया हूँ और रूपा कचौरी वाले बंद है, तो मैं अभी ये नहीं कहता कि कौन सा अच्छा है क्या है, परंतु ये देखिए लगे हुए हैं पार्सल में, और यहाँ पे चल रही है ये पुड़िया। ये हाँ जी नमस्ते भैया, राधे राधे। तो क्या कितना पुराना है आपका ये काम? 78 से चल रहा है, क्योंकि हमने वायरल वीडियोस तो देखे थे रूपा कचौरी वाले के, बहुत देखे हैं, बंदू यहाँ आए तो पता लगा आपकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। नहीं नहीं अच्छे ही है, हम ऐसा नहीं कर रहे, आज वो नहीं है तो हम यहाँ पे हम कोई कंपेयर नहीं कर रहे। तो ये देखिए आप भीड़ दिखाओ। नमस्कार जी, जय श्री कृष्णा, आप यहीं से हैं? अच्छा, मैं एक्चुअली आया था यहाँ पे मथुरा, तो एक तो यहाँ पे कोई रूपा कचौरी वाले हैं और एक ये स्वीट सेंटर वाले, तो रूपा कचौरी वाले तो शायद अभी दुकान बंद है, बंद नहीं नहीं खुली है, तो उन्होंने ये बताया कि हमें यहाँ किसी ने बताया कि भाई ये स्वीट सेंटर बहुत पुरानी है और उनसे ज़्यादा अच्छी है, सही बात है? अब देखो दोनों का नाश्ता अपनी अपनी जगह अलग अलग है। अच्छा, उसका तेल का नाश्ता है, उसका अलग क्वालिटी है, इनका देसी घी का। अच्छा, इनका देसी घी का। तो बॉस ये देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आज पहली बार आया हूँ मथुरा इस जगह, तो यहाँ पे जो खा रहे हैं वो है, भीड़ अगर आप देख रहे हैं तो देख लीजिए बॉस। बस ये है कि वो जो रूपा कचौरी वाले हैं वो बोलते बहुत अच्छा, तो उनके बोलने में दम है, परंतु यहाँ पे जो लोग बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और खा के देखिए, तो आप अगर मथुरा आए तो दोनों जगह खाने में क्या फर्क पड़ता है, एक एक खा लें यार, मतलब जो ओनर बैठे हुए उनके पास तो टाइम नहीं है। अच्छा, वो अमित भाई है, तो ये अमित जी हैं। अब अमित जी को भी मैं अभी क्या डिस्टर्ब करूं, क्योंकि अमित जी लगे हुए हैं तो इस टाइम डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है बॉबी, अभी अभी बिल्कुल। अरे सब देखिए, जयपुर से यहाँ आ गया तो खाऊंगा ही। ये देखिए जी आप,
तो आप तो यहीं के हैं और कितना कितनी मतलब शुरू से यहीं के हैं या बाद? अरे वाह, तो इनको कितने नंबर देते हैं आप? हम 100 में से 100। और अगर रूपा कचौरी वालों को? अरे वहाँ रिफाइंड का, अच्छा वहाँ। तो देखिए फ्रेंड, जो यहाँ पे खाने वाले हैं, जो बाहर खा रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर बातें सुननी है तो वहाँ पे जाइए, और जो लोकल हैं वो ज़्यादातर आपको यही मिलेंगे। कह रहे थे कि खाने का स्वाद यहाँ पे। सुबह 6 बजे से नाश्ता चालू हो जाएगा। और कितने बजे तक अमित भाई, कितने बजे तक चलता है? 6:30 से 1 बजे तक। 6:30 से 1 और 1 बजे बाद। अच्छा, क्या बात है। तो यार देखो, हम आलू की टिक्की इसके लिए तो वेट कर नहीं सकते, कचौरी पे हाथ मार लेते हैं। और हमारे साथ मोहित भाई हैं जो हमें लेके आए। तो मोहित भाई आ जाओ, आप आ जाओ भाई, आप हमारे को। हम हाथ साफ कर रहे हैं बेड़ी सब्जी पे। तो बॉस देखो, कचौरी के बाद बेड़ी सब्जी के बाद अगर जलेबी पे हाथ मार लिया जाए तो? अगर मैं नंबर दूंगा तो 10 में से 10, और वहाँ के मैं 10 में से 8 ही दूंगा, 8 क्या 7 ही दूंगा। तो ये अंतर है। शायद हो सकता है कि रूपा वालों का वायरल बहुत हो रहा है, परंतु एक बार मेरे कहने से स्वीट सेंटर। देखिए मैं आपको शॉप का नाम बता रहा हूँ, ये है स्वीट सेंटर पंडित छैला पेठे वाले। तो यहाँ पे एक बार आइए, रूपा के भी जाइए, दोनों जगह खाइए, आप देख लीजिए किसको नंबर ज़्यादा देंगे। मैं नंबर स्वीट सेंटर को दे रहा हूँ, तो आना बनता है बॉस। और भीड़ है जो ख़त्म ही नहीं हो रही है। शायद ये बोलने में कमज़ोर है, इनको बोलना अच्छा नहीं आता है। रूपा वालों को बोलना बहुत अच्छा आता है, परंतु क्वालिटी वाइज मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वालिटी वाइज जो है वो बहुत डिफरेंस है। यहाँ शुद्ध देसी घी की है, यहाँ पे आपको महक मिलेगी, जब कढ़ाई चल रही है तो आपको महक मिलेगी। ये देखिए, ऐसे मेरे सामने 3 उचर चुके हैं और अभी आप देख लीजिए 2 मिनट बाद क्या हो रहा था। सब किसी को 4 चाहिए, किसी को 6 चाहिए, किसी को 10 चाहिए और ख़त्म। और ये देखिए, तो ये और इसमें सबसे बड़ी बात है, देखिए रूपा वाले के आते हैं तो बाहर वाले आ जाते हैं क्योंकि वीडियो वायरल हुआ हुआ है। यहाँ पे मथुरा के लोकल ज़्यादा है, तो लोकल कहते हैं हमें टेस्ट का पता है। अमित जी, इसकी जगह का नाम क्या है आप ही बता दीजिए। छाता बाजार है, तो बहुत ये छाता बाजार में आइए। मतलब नहीं, कई बार मेरे जैसे मथुरा वाले नहीं है क्या यार, पूछते पूछते आ जाते हैं, पन तो अब आएंगे जी। अरे साहब मेरी बात सुनिए, इनका कलेवा करने के लिए ही मुंबई से आते हैं। क्या बात है, देखिए मुंबई वाले हैं और इनका कलेवा करने वाले आते हैं। मुंबई से भी आए हैं क्योंकि इसकी जो करारी जो जलेबी है, हाँ, कुरकुरी बेड़ी है, वो कहीं नहीं मिलेगी। मैंने भी खा के देखी साहब, एक्चुअली आप दो मेन तरफ से। अरे साहब थैंक यू। एक्चुअली मैं जयपुर से आया हूँ, तो सोन पापड़ी लेके जाना है। इसकी सोन पापड़ी मुंबई जाते ही भूल जाती है। क्या बात है, तो बॉस ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मुंबई वाले बोल रहे हैं। इसलिए इनकी सोन पापड़ी देखो। ये देखिए वहाँ पे तो खत्म हो गई और यहाँ पे तैयार है, और ये कितनी देर में। तो बॉस आप आके देखिए, तो ये देखिए बॉस यहाँ पे लगी हुई लाइन, और उधर से उतर रही है, अभी आपके सामने ही देख लेना, भेड़े ही उतर रही है, जलेबी है, और कैसे खत्म होती है। इनके काउंटर पे रुकी नहीं रही है। तो ये है स्वीट सेंटर वालों के मजे, इनकी क्वालिटी बोल रही है। तो फ्रेंड्स, हम मथुरा से हम निकल रहे हैं जयपुर के लिए। मथुरा की स्टोरी आपको बता ही दी है कि हम गए तो थे रूपा कचौरी वालों के पास, और रूपा कचौरी वालों के पास गए तो पता लगा कि रूपा कचौरी वालों की दुकान बंद है। और स्वीट सेंटर की कचौरी खाई तो बहुत गजब खाई, ऑनेस्टली बहुत अच्छी कचौरी थी। मतलब कहते ना, मथुरा की कचौरी और वो खाने का मज़ा ही अलग आ गया।
और रूपा कचोरी की कचोरी में एक्चुअली वो जो रूपा कचोरी वाले जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग तो क्या मैं भी बुजुर्ग ही हूँ, वो बोलते बहुत अच्छा है, मतलब उनके एक से एक लच्छेदार है तो उनका बोलने का बहुत अच्छा है, बट कचोरी के लिए फिर स्वीट कॉर्नर पे जहाँ हमने खाई है वहाँ पे लोकल बहुत ज़्यादा कह रहे थे, लोकल कह रहे थे जी हम कोई नहीं जाते रूपा कचोरी वाले के, रूपा कचोरी तो रिफाइंड में बनाने वाले हैं और ये देसी घी में, और कहा इनकी कचोरी का बात ही अलग है। तो वो कहा कि ये सारा गेम है कि रूपा कचोरी वालों के वीडियो वायरल हो गए तो इसलिए लोग भाग गए, मैं भी गया इसीलिए था। तो आप कभी जाए मथुरा तो एक बार स्वीट सेंटर जरूर खाएं, माम हार्डली 50-100 मीटर का अंतर है और मजा आएगा आपको स्वीट सेंटर पे। वो यंग से अमित जी थे ऑनर और बनाने वाले जो शुरू कर रहे थे वो थे, उनका मैंने नाम नहीं पूछा। तो आप एक बार मेरे कहने से, और अगर आप जाएं तो रूपा कचोरी वाले के भी खुल गया हो तो रूपा कचोरी की एक कचोरी खाना, ज़्यादा मत खाना, और फिर जाना स्वीट सेंटर। स्वीट सेंटर पे जाओगे तो दोनों का डिफरेंस पता लग जाएगा, एक के बोली का पैसा है और एक के क्वालिटी का है। तो अगर आपको क्वालिटी चाहिए या लच्छेदार बोली चाहिए वो फैसला आप करोगे। तो मिलते हैं अगले कहीं पे।